Assalamualaikum friends, welcome back to my tech channel Afnan Talks. तो आज बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग एक चीज़ सीखेंगे कि हम लोग WhatsApp में, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो आपका GB WhatsApp है वो अपग्रेडेड हो, वर्जन 11 हो, तो आप अपना चैट हेड्स जो है वो जो है ऑन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैसेंजर में, जब आप कोई और ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहे हों, जैसे आपको मैसेज आता है तो चैट हेड भी जो है आपके पास आ जाता है, लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा नहीं था, लेकिन अब आ चुका है, लेकिन उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो देखें, सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लें। व्हाट्सएप ओपन होने के बाद ये देखें, जो राइट साइड नीचे की तरफ प्लस का साइन है ना, आपने इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद देखें, जो प्लस के साइन के ऊपर सेटिंग्स का निशान है, आपने इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद ये देखें, थर्ड वाला ऑप्शन है यूनिवर्सल सेटिंग्स, ठीक है, आपने यूनिवर्सल सेटिंग्स के ऊपर टैप करना है, तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तब देखें, तब बहुत सारे ऑप्शन है, आप नीचे करते जाएं, ये देखें जो अदर्स वाले ऑप्शन है ना, इसके अंदर देखें, जो पहला ऑप्शन है टर्न ऑन चैट हेड्स, चैट हेड्स लेट यू रिसीव मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप इवन व्हाइल यू आर यूजिंग अदर ऐप्स, हमने कर देंगे इसको ऑन। तब हम इन्हें इसको ऑन कर दिया, अब हम कोई भी ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हों व्हाट्सएप के अलावा, तो जैसे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव होगा तो जैसे मैसेंजर का चैट हेड आ जाता है, इसी तरह इसका भी जो मैसेज आएगा उसका चैट हेड हमारे पास आ जाएगा। जब हम उस पर टाइप करेंगे तो हमारे पास चैट जो है खुल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बैक कर देते हैं, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो अगर आपको चैट हेड पसंद है तो आप यहाँ से इनेबल करके लगा सकते हैं, आपका व्हाट्सएप और कूल लगेगा। तो अगर आपने व्हाट्सएप के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछनी है नीचे कमेंट में पूछने, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और साथ में मेरे टेक चैनल अफनान टॉक्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।